Hello everyone, in this video you will get to know about switching techniques which are used for transferring data in computer networks. यहाँ पे हम switching techniques को देखेंगे जिनका use किया जाता है data को transfer करने के लिए, right? Switching techniques are used for transmitting data across the network. Networks में data जब transfer होता है तो कुछ techniques का use किया जाता है जिनको switching techniques कहा जाता है. राइट, थ्री स्विचिंग टेक्निक्स आर, यहाँ पे हम तीन स्विचिंग टेक्निक्स को देखेंगे, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग. सो फर्स्ट वी हैव सर्किट स्विचिंग. इन सर्किट स्विचिंग व्हेन एवर अ डिवाइस कम्युनिकेट्स विद अनदर डिवाइस, सर्किट स्विचिंग में जब भी कोई डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करती है, डेटा का एक्सचेंज करती है, आइदर डेटा को सेंड करती है या रिसीव करती है, तो क्या होता है, अ डेडिकेटेड एंड टू एंड कम्युनिकेशन पाथ इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन दैम ओवर द नेटवर्क. तो दोनों डिवाइस के बीच में एक डेडिकेटेड एंड टू एंड कम्युनिकेशन पाथ क्रिएट हो जाता है. जैसे मान लो ये सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, सेंडर डेटा सेंड कर रहा है और रिसीवर डेटा रिसीव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक पाथ क्रिएट कर दिया जाता है जो टोटली सेंडर और रिसीवर के लिए रिजर्व्ड होता है. ओके, और इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं. फाइन, इट इज अ स्विचिंग टेक्निक दैट क्रिएट्स अ प्री स्पेसिफिक रूट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर एंड दिस रूट इज रिजर्व्ड फॉर बोथ डिवाइसेस एज लॉन्ग एज द कनेक्शन इज एक्टिव. तो जब तक कम्युनिकेशन चलेगा तब तक जो रूट क्रिएट हुआ है और यू कैन से पाथ क्रिएट हुआ है या सर्किट क्रिएट हुआ है वो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा. ओके, जब तक सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहता है. ओके, लेकिन ये जो प्री स्पेसिफिक रूट क्यों कहा गया है, क्योंकि कम्युनिकेशन से पहले इस रूट को बना दिया जाएगा. फाइन, ओके, अदर डिवाइसेस कैन नॉट यूज दिस स्पेसिफिक रूट फॉर डेटा ट्रांसमिशन. इस रूट का जो सेंडर और रिसीवर का रूट है, ओके, जो रिजर्व रूट है, उसको कोई दूसरा डिवाइस डेटा सेंड करने के लिए यूज नहीं कर सकता. In earlier days, when we placed a telephone call, the switching equipment within the telephone system, तो यहाँ पर जो circuit switching है वो कहाँ use होता था, ये telephone calls में use होता था circuit switching. Okay, the switching equipment within the telephone system finds out a physical path or channel all the way from our telephone at home to the receiver's telephone. तो क्या होता था, जब आप अपने phone से number dial करते थे तो create होता था एक circuit, एक path, आपके टेलीफोन से रिसीवर के टेलीफोन तक एक एंड टू एंड डेडिकेटेड पाथ क्रिएट किया जाता था, एक चैनल क्रिएट किया जाता था जिसके थ्रू आपका डेटा, मतलब आपकी वॉइस रिसीवर तक जाए, रिसीवर की वॉइस आप तक जाए. ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग. तो ये किसका एग्जाम्पल है, सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल है. यहाँ पे देखो, अगर ये आपका सेंडर है, मतलब ये सेंडर है जिसने कॉल किया है, फिर एक पाथ क्रिएट किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट नोड्स से जाता हुआ वो पाथ है, और यू कैन से डिफरेंट डिफरेंट चैनल से जाता हुआ पाथ है. ओके, एंड रिसीवर तक वो एक डेडिकेटेड पाथ यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है. फाइन, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग. ओके, नाउ वी हैव हाउ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू सर्किट स्विचिंग. सर्किट स्विचिंग में कम्युनिकेशन कैसे होता है, सर्किट स्विचिंग हैज थ्री फेसेस, तीन फेसेस के अंदर सर्किट स्विचिंग के में कम्युनिकेशन होता है. सबसे पहले क्या होता है, एस्टेब्लिश अ सर्किट, सबसे पहले सर्किट क्रिएट किया जाता है, एक डेडिकेटेड पाथ को क्रिएट किया जाता है. राइट, इन द फर्स्ट फेज अ सर्किट एस्टेब्लिश्ड मीन्स अ डेडिकेटेड लिंक एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर थ्रू अ नंबर ऑफ स्विचिंग सेंटर्स और नोड्स. ओके, अब क्या है, जब नेटवर्क के अंदर बहुत सारे इंटरमीडियरी नोड्स होते हैं, ठीक है, सेंटर्स होते हैं, तो उन सब को मिलाकर मतलब एक पर्टिकुलर पाथ डिसाइड किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में. ओके, वंस द सर्किट, सेकेंड क्या है, ट्रांसफर द डेटा. Once the circuit established between the sender and the receiver, जैसे ही sender और receiver के बीच में connection create हो गया है, एक circuit establish कर दिया गया है, एक path establish कर दिया गया है, they can communicate with each other. अब उनके पास एक reserved path है जिसपे वो क्या कर सकते हैं, data transfer कर सकते हैं, communicate कर सकते हैं. Okay? Now third जो phase है वो क्या है, disconnect the circuit. Once the communication is completed between the sender and the receiver, the circuit disconnects. अब क्या है, आपका use हो चुका है circuit, okay? तो क्या होगा, उसके बाद
जो पांच क्रिएट किया गया है उसको डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा, उस सर्किट को डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा। द सर्किट डिसकनेक्शन इज डन बाय वन ऑफ द यूजर, द सेंडर और द रिसीवर। अब जब यहाँ पे हम टेलीफोन का एग्जांपल लेते हैं तो या तो जो सेंडर है जिसने कॉल किया है वो कॉल को कट कर देगा, या रिसीवर जिसने कॉल को रिसीव किया है वो कॉल को कट कर देगा। और जैसे ही कॉल कट होगी तो ये जो रूट स्टेब्लिश हुआ था, ये सर्किट स्टेब्लिश हुआ था, वो क्या हो जाएगा, वो डिमिनिश हो जाएगा, मींस वो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फाइन, तो यहां पे थ्री स्टेप्स में और यू कैन से थ्री फेजेस में सर्किट स्विचिंग वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या है, इन मैसेज स्विचिंग नो डेडिकेटेड पाथ इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। मैसेज स्विचिंग में कोई भी डेडिकेटेड पाथ एस्टैब्लिश नहीं किया जाता है, कोई भी डेडिकेटेड पाथ सेंडर और रिसीवर के बीच में नहीं बनाया जाता है। ओके, इन दिस टेक्निक द सोर्स कंप्यूटर सेंड्स डेटा और द मैसेज टू द स्विचिंग ऑफिस और स्विचिंग नोड्स फर्स्ट। इसमें क्या होता है, सेंडर कंप्यूटर मतलब जिस कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है, राइट, वो क्या करता है, किसी भी नोड को या इन बिटवीन जितने नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ओके, तो जो डिवाइस डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है उसे हम स्विचिंग नोड बोलते हैं। फाइन, ओके, तो यहाँ पे जो सोर्स कंप्यूटर है अपना डेटा सेंड करेगा किसके पास, स्विचिंग ऑफिस के पास और यू कैन से स्विचिंग नोड के पास, विच स्टोर्स द डेटा इन इट्स बफर। और वो नोड क्या करता है, वो डिवाइस क्या करता है, डेटा को स्टोर कर लेता है अपने बफर के अंदर। इट देन लुक्स फॉर अ फ्री लिंक टू अनदर स्विचिंग ऑफिस। जैसे यहाँ पे देखो, ये सोर्स है, इसने मैसेज सेंड किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, स्विचिंग नोड है, उसने स्विचिंग नोड मतलब दूसरा डिवाइस है जो एज अ स्विचिंग नोड वर्क कर रहा है, जिसका क्या काम है, मैसेज को रिसीव करना फिर उसको आगे फॉरवर्ड करना, स्टोर एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपने बफर में अपनी मेमोरी में उसको स्टोर किया और आगे देखा कौन सा लिंक फ्री है, कहाँ वो डेटा सेंड कर सकता है, राइट, ओके, और जैसे ही उसको कोई लिंक फ्री मिलता है इट देन सेंड्स द डेटा टू दिस ऑफिस। क्या करता है, वो डेटा को दूसरे स्विचिंग नोड के पास भेज देता है। ओके, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल द डेटा इज डिलीवर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स। ये प्रोसेस कब तक चलता है, एक नोड से दूसरे नोड पर, एक स्विचिंग नोड से दूसरे नोड पर डेटा का ट्रांसफर होना, जब तक कि जो रिसीवर कंप्यूटर है उसके पास डेटा पहुंच नहीं जाता, ओके, या डिलीवर नहीं हो जाता। डेट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। इसलिए मैसेज स्विचिंग को स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डेटा को एक नोड स्टोर करेगा, फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा, फिर स्टोर करेगा, फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा, जब तक कि आपका रिसीवर और यू कैन से डेस्टिनेशन नोड नहीं मिल जाता। फाइन, इन मैसेज स्विचिंग द मैसेज इज ट्रांसमिटेड एज अ होल। जब मैसेज स्विचिंग में मैसेज ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, ट्रांसमिट किया जाता है, तो वो ब्रेक नहीं किया जाता, वो कंप्लीट मैसेज एज अ होल ट्रांसफर कर दिया जाता है, हैविंग डेस्टिनेशन एड्रेस अपेंडेड ऑन इट। और मैसेज के ऊपर क्या होता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा तभी तो वो आगे जा पाएगा, अगर एड्रेस नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि मैसेज को कहाँ पहुँचाना है। ओके, फ्रॉम सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन नोड। फाइन, तो मैसेज स्विचिंग में जो मैसेज ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है, वो कंप्लीट मैसेज ट्रांसफर होता है और उसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस जुड़ा हुआ होता है। फाइन, तो दिस इज आर मैसेज स्विचिंग, ओके, जिसके अंदर क्या है, एक नोड से दूसरे नोड में डेटा ट्रांसफर होता है और मैसेज ट्रांसफर होता है, राइट, और इसको हम स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव पैकेट स्विचिंग। इन पैकेट स्विचिंग ईच इंफॉर्मेशन और मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर इज ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर सेम साइज पीसेस कॉल्ड पैकेट्स। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज सेंडर एंड रिसीवर के बीच में ट्रांसमिट होने वाला है, ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जिसका एक्सचेंज होने वाला है, सबसे पहले उस मैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, राइट, और इन पार्ट्स को क्या कहा जाता है, पैकेट्स। और यहाँ पे जो पैकेट्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं। फाइन, दीज पैकेट्स आर देन ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली थ्रू द नेटवर्क। और ये जो पैकेट्स हैं वो एक दूसरे से अलग होकर इंडिपेंडेंटली नेटवर्क में ट्रेवल करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं।
okay, different packets of the same message may take different routes depending on the availability. Okay, तो यहाँ पे packets के ऊपर कोई foundation नहीं है कि उन्हें same route follow करना है. Different packets, एक same message के different packets different routes को follow करके transmit हो सकते हैं. जो route उनको suitable लगता है, okay, जो route उनको available लगता है, उस routes को वो follow करके different packets उस route को follow करके आगे बढ़ सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं. ओके, ईच पैकेट हैज़ टू पार्ट्स. अब पैकेट्स जो क्रिएट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स एक मैसेज के जो हम बने हैं, उनके दो पार्ट्स होते हैं. अ हेडर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन. हेडर पार्ट में क्या होता है, जिस डेस्टिनेशन पे उनको जाना है उसका एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन, और कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन, एंड द मेन मैसेज पार्ट और मैसेज का पार्ट. फाइन, अगर हेडर इन्फॉर्मेशन में एड्रेस नहीं होगा डेस्टिनेशन का, तो वो कैसे ट्रेवल करेंगे और कैसे वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे. फाइन, व्हेन ऑल द पैकेट्स रीच द डेस्टिनेशन, जब सारे पैकेट्स डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, दे आर रीअसेंबल्ड एंड द कंप्लीट मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर. रिसीवर कंप्यूटर पे जाकर सारे पैकेट्स क्या होते हैं, रीअसेंबल होते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में. जिस रियल मैसेज को भेजा गया था, उसी रियल मैसेज में वो कन्वर्ट होते हैं, असेंबल होते हैं. ओके, एंड द कंप्लीट मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, और रिसीवर कंप्लीट मैसेज को रिसीव करता है. फाइन, तो यहाँ पे देखो आपके पिक्चर में दिया है, सोर्स कंप्यूटर ने क्या किया है, डेटा सेंड किया. यहाँ पे डेटा सेम साइज के पैकेट्स में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3, 4. राइट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे S1 ये नोड्स हैं, इन बिटवीन नोड्स हैं. राइट, तो यहाँ पे 4 and 1, ये S1 से S1 उन्होंने ये वाला पाथ लिया, लेकिन जो पैकेट 2 and 3 था उन्होंने ये वाला पाथ लिया. फाइन, फिर जो पैकेट 1 था उसने ये वाला पाथ लिया, पैकेट 2 ने आपका ये वाला पाथ लिया, एंड पैकेट 4 and 3 ने ये वाला पाथ लिया. तो देखो यहाँ पे जो पैकेट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट पाथ्स को फॉलो कर रहे हैं. फिर अगेन 1 and 2 ने ये वाला पाथ ज्वाइन किया, एंड 4 and 3 ने ये वाला पाथ ज्वाइन किया. ओके, एंड नाउ डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे ये देखो, जब पहुंचते हैं, जरूरी नहीं है कि पैकेट 1 पहले पहुंचेगा फिर पैकेट 2 पहुंचेगा, ऐसा नहीं है. ये अलग अलग पहुंचते हैं, कोई भी पैकेट पहले पहुंच सकता है, कोई भी पैकेट बाद में पहुंच सकता है. फाइन, जैसे यहाँ पे देखो 2, 1, 3, 4, ये इस सीक्वेंस में पैकेट्स यहाँ पे डिलीवर हुए. अब यहाँ पे आने के बाद, डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे आने के बाद, ये रीअसेंबल हो जाएंगे रियल मैसेज के फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड देन देखो डेस्टिनेशन ने क्या रिसीव किया है, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 क्या है, जो रियल मैसेज ट्रांसफर हुआ था वो. ओके, सो दिस इज पैकेट स्विचिंग. ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.